नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बीबीसी लाइव। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। मुख्यमंत्री के घोषणा अनुसार सभी संभागों में पुल के निर्माण कार्यों को मिली स्वीकृति। 7 जिलों में 39 पुलों के निर्माण के लिए 927.27 करोड़ रुपए की मिली प्रशासकीय स्वीकृति। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने राज्य में पुलियों के निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और तेजी लाने की बात कही है। इसके लिए मुख्यमंत्री ने कई जिलों में नए निर्माण कार्यों की घोषणाएं भी की है। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार पुल निर्माण के लिए जगदलपुर, अंबिकापुर, रायगढ़, बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर में 10 कार्यों की स्वीकृति दे दी गई है। इसके साथ ही 10 कार्यों का प्रकलन भी भेज दिया गया है। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने मंत्री श्री तारमध्वज साहू को जानकारी दी कि छत्तीसगढ़ में 10 करोड़ रुपए से अधिक लागत के कुल 39 पुलों के कार्य हेतु जगदलपुर, अंबिकापुर, रायगढ़, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर, कांकेर में 927.27 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिसमें से 602 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। विभागीय अधिकारियों ने यह जानकारी दी है कि मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना अंतर्गत 495 करोड़ की लागत के कुल 4132 कार्य स्वीकृत हुए हैं, जिसमें से 2245 कार्य पूर्ण, 870 कार्य प्रगतिरत है एवं 973 कार्य निविदा स्तर पर है। इसके साथ ही एवीडी प्रोजेक्ट के अंतर्गत कुल 24 कार्य प्रगतिरत है। लोक निर्माण विभाग के अनुसार RPCLWE योजना अंतर्गत 3535 करोड़ की लागत के कुल 310 स्वीकृत कार्य में से अब तक 161 मार्ग पूर्ण, 7 पुल निर्माण पूर्ण, 139 कार्य प्रगति पर एवं 3 कार्यों की पुनर्निर्मिता की गई। समीक्षा बैठक में ये जानकारी दी गई है। आयोजनोत्तर मद में 452 करोड़ की लागत के कुल 1050 स्वीकृत कार्य में अब तक 827 कार्य पूर्ण, 176 कार्य प्रगति एवं 47 कार्य निविदा स्तर पर है। लोक निर्माण विभाग के अनुसार जर्जर सड़कों, भवनों, पुल, पुलिया के मरम्मत एवं संधारण के कार्य जारी हैं तथा समय समय पर संबंधित अधिकारियों द्वारा इनका निरीक्षण भी किया जा रहा है। इस श्रेणी पंजीयन अंतर्गत लगभग 6000 युवाओं का पंजीयन हुआ है, जिन्हें लगभग 300 करोड़ के कार्य स्वीकृत किए गए हैं और अनुबंध के प्रावधान अनुसार लगभग 3500 इंजीनियरों को नियोजित किया गया है। खबरों में अब तक बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बीबीसी लाइव।